हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है दिठी, जो कि मराठी सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है सोनी लिव पर 21 मई 2021 से। इस फिल्म की डायरेक्टर है सुमित्रा भावे, जिनका हाल ही में यानी पिछले महीने 19 अप्रैल 2021 को स्वर्गवास हुआ और ये उनकी आखिरी फिल्म है। 78 वर्ष की आयु में सुमित्रा भावे ने मराठी सिनेमा, मराठी थिएटर और मराठी टेलीविजन पर काफ़ी सिग्निफिकेंट काम किया और उनके क्रिएटिव पार्टनर रहे सुनील सुकटनकर, जिनके साथ मिलकर उन्होंने 17 फीचर फिल्में, 50 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्में, 4 टेलीविजन सीरियल्स और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों के अधिकारी रहे। उनकी चुनिंदा फिल्मों में थी 1995 की दोघी, जिसके लिए उनको 3 नेशनल अवार्ड्स थे। फिर थी 2002 की वास्तु पुरुष, जो क्रिटिकली अक्लेम थी और उसने भी बेस्ट फीचर फिल्म इन मराठी का नेशनल अवार्ड जीता था। और फिर उसी साल थी 10वीं फ, जो चार्ल्स डिकेंस के क्लासिक हार्ड टाइम से इंस्पायर्ड थी और उसे महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर थी 2004 की देवराई, जिसमें अतुल कुलकर्णी और सोनाली कुलकर्णी थे और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड था बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। और फिर उसके बाद 2015 की थी अस्तु, जिसे नेशनल अवार्ड भी थे, स्टेट अवार्ड्स भी थे और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी थे। और फिर उनकी आखिरी फिल्मों में से एक प्रोमिनेंट फिल्म थी 2017 की कासव, जिसने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता था। सुमित्रा जी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं थी, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था सोशल स्टडीज़ में। और उनकी फिल्मों में हमेशा सोशल इश्यूज़ थे, एनवायरनमेंट इश्यूज़ थे, इकोलॉजी के इश्यूज़ थे, मेंटल इलनेस के इश्यूज़ थे, ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म के फ्यूजन के इश्यूज़ थे और उन्होंने सिनेमा को हमेशा एज अ टूल यूज़ किया कई सारे मुद्दों और कई सारे इंसाइट्स और कई सारे विषयों को छूने के लिए, उनको उजागर करने के लिए। इसलिए जब हमें मालूम पड़ता है कि इस महिला ने 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स, 11 नेशनल अवार्ड्स और 45 स्टेट अवार्ड्स अपने एक लाइफ टाइम में जीते हैं, तो यह बड़ा अद्वितीय लगता है। दीठी का प्रीमियर किया गया था पूना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 21 जनवरी 2019 को और उस वक्त सुमित्रा जी वहाँ मौजूद थी और उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को बनाने की कल्पना उनके जहन में करीब 6 या 7 सालों से थी, जब उन्होंने डीबी मोकाशे की ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी। कहानी का शीर्षक था आता अमोद सुनासी आले और इसका स्क्रीन पर लिखते वक्त वो पूरा वक्त बारिश को देखा करती थी। वो समझती थी कि बारिश भी इस कहानी का एक पात्र है और वो एक्चुअल बारिश में ही शूट करना चाहती थी। ये मौका उनको मिला और फिल्म कंप्लीट हुई और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो सबको झकझोर देने के लिए सक्षम था। फिल्म की कहानी एक विट्ठल भक्त लोहार रामजी की है, जो उसके गांव में आई हुई बारिश और बाढ़ में अपने एक जवान बेटे को खो चुका है। उसकी बहू ने इस हादसे में प्रीमैच्योर डिलीवरी में एक बच्ची को जन्म दिया है और उसका सारा परिवार और उसके अलावा उसके दोस्त और उसके पड़ोसी सारे ही अब शोकाकुल है। रामजी कट्टर वारकरी रहा है और उसने हर साल विट्ठल के दर्शन किए हैं वारकरियों के साथ डिंडी में जाकर, और वो सिलसिला उसने 30 साल तक बरकरार रखा है। अपने बेटे की मौत के बाद वो एकदम विचलित हो गया है, एकदम अंतर्मुख हो गया है और उसका खाने पीने, दोस्ती, दुनियादारी से विश्वास उठ गया है और वो पूरा वक्त विट्ठल से, अपने भगवान से यही प्रश्न पूछ रहा है कि 30 साल की उसकी भक्ति का क्या यही इनाम है? क्या सच में विट्ठल है? और अगर है तो उसे इस भक्त की वेदना क्या देखी नहीं जाती? ऐसे कई प्रश्नों को लेकर वो पूरा वक्त रोते रहता है। उसके कई दोस्तों में एक जोशी बुआ है, जो अपने घर पर पोथी या अपने ज्ञानेश्वरी पढ़ने का प्रयोजन बनाते हैं। इस आयोजन में वो सारे दोस्तों को बुलाते हैं, लेकिन रामजी का ध्यान उस पोथी को पढ़ने में नहीं है। वो उदासीन है और उसके प्रश्न अपने प्रभु से निरंतर चल रहे हैं। एकदम खिन्न अवस्था में उसका विश्वास डगमगाने लगा है और इसी के दरमियान उसके पड़ोस में एक दंपत्ति के घर में एक गाय बछड़े को जन्म देने वाली है और वो सकुचा रहे हैं कि राम जी की मदद कैसे ले।
इस तरह की डिलीवरी के लिए राम जी मशहूर है, लेकिन उसकी इस खिन्न अवस्था को देखकर ये दंपति सकुचा रहे हैं कि ऐसे में उससे मदद मांगने कैसे जाएं। लेकिन जब गाय की वेदनाएं उनसे देखी नहीं जाती तो फिर वो राम जी के पास पहुंच जाते हैं जो कि पोथी पठन में बैठा हुआ है। राम जी पठन को आधे में छोड़कर दौड़ पड़ता है गाय की प्रसूति के लिए, और जब वो वहाँ पहुँचता है और उसकी पूरी क्रिया में जिससे गाय को प्रसूति होती है उस पूरी क्रिया में वो अपनी वेदना से मुखर हो जाता है। उसे गाय की वेदना से जन्मे नए बछड़े और अपनी वेदना से बिछड़े अपने बेटे के प्रसंगों में सामंजस्य दिखाई देने लगता है, और फिर उस बछड़े के जन्म के साथ ही उससे अपनी व्यथा के उत्तर भी मिल जाते हैं, और वो जाकर अपनी बहू को रोक लेता है जिससे उसने अपने बेटे की मौत के बाद घर से निकल जाने के लिए कहा था, और इसके बाद अपनी अधूरी रही ज्ञानेश्वरी के पठन को पूरा करने के लिए राम जी अपने दोस्तों के बीच में पहुंच जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से राम जी को आत्मबोध होता है उसी तरीके का आत्मज्ञान दर्शकों तक भी पहुंचता है, जो कि इस फिल्म की विशेषता है। मौत से शुरू होकर जन्म पर ख़त्म होने वाली इस प्रभावशाली फिल्म को देखने के मैं आपको 9 कारण दे सकता हूँ। सबसे पहला कारण है DB मोकाशी। ये रेडियो इंजीनियर टर्न राइटर है इस फिल्म की कहानी के लेखक, जो गंगाधर गाड़गिल, उसके अलावा अरविंद गोखले, वेंकटेश माड़गुलगर और PB भावे के ही लीक के नए कहानीकार हैं, जो अमृत अनुभव और ज्ञानेश्वरी के कई संदर्भों के साथ व्यवहारिकता और अध्यात्म के तालमेल को अपने पात्रों के जरिए दर्शकों तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। दूसरा रीज़न है गणेश फुके और पीयूष शाह। ये इस फिल्म के साउंड डिज़ाइनर्स हैं और इनका काम अप्रतिम है। सारी फिल्म बारिश में शूट हुई है और इस फिल्म में बारिश मानो एक पात्र हो। इसके अलावा गाय की डिलीवरी के वक्त के एटमॉस्फेयर को भी साउंड के माध्यम से बड़ी बखूबी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। तीसरा रीज़न है धनंजय कुलकर्णी। ये सिनेमाटोग्राफर है इस फिल्म के और इनका एस्थेटिक्स का सेंस और शॉट कंपोजिशन आउटस्टैंडिंग है। इतना फ्लॉलेस है इनके कैमरे का मूवमेंट, जो अलग अलग लोकेशन से होता हुआ कैरेक्टर्स के क्लोजअप्स के साथ उनके एक्सप्रेशंस को इतने खूबसूरती से कन्वे करता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। चौथा रीज़न है मोहित टाकलकर। ये एडिटर है इस फिल्म के, जिन्होंने इस नदी जैसे प्रवाह को 1 घंटा और 29 मिनट में रोक दिया है। प्रवाह के साथ ठहराव कहाँ होना चाहिए ये समझ एडिटर को होती है, जो इनमें है। पांचवा रीज़न है पार्थ उमरानी। ये इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, जिन्होंने ए ज्ञानेश्वर महाराज का अभंग इन सारे कलाकारों को अपनी ओरिजिनल आवाज़ में गवाया है। वो अभंग अप्रतिम है और साथ ही साथ इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किया है साकेत कानेटकर ने, जो कि इम्प्रेसिव है। छठा रीज़न है मोहन अगाशे। ये साइकेट्रिस्ट, एक्टर, प्रोफेसर इस फिल्म में एक्टर भी है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। इस तरह के अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए एक खास किस्म का मेंटल फ्रेम लगता है, जिसे हम करेजियस कहते हैं। मोहन जी ने वही किया है। सातवां रीज़न है किशोर कदम। ये एक्टर रामजी लोहार के किरदार में टॉप फॉर्म में है। अपनी क्षति, अपनी वेदना, अपनी आंखें आसमान की तरफ करके रोना और फिर उसके बाद अपना आंतरिक कलह और इन सब का निवारण, सारी भावनाओं को बड़ी ही गहराई से अभिव्यक्ति दी है इस कलाकार ने। आठवां रीज़न है सपोर्टिंग कास्ट। इस फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में सारे ही नामी और अनुभवी कलाकार हैं। उत्तरा बावकर है, दिलीप प्रभावड़कर है, गिरीश कुलकर्णी है, अमृता सुभाष है, शशांक शेंडे है, अंजलि पाटिल है और कैलाश वाघमार है। इतने प्रतिभाशाली कलाकारों ने एक साथ आकर इस कहानी को एक अलग ऊंचाई दी है। और नौवां रीज़न है सुमित्रा भावे जी। इस फिल्म के डायरेक्शन के अलावा इन्होंने कॉस्ट्यूम्स और आर्ट डायरेक्शन का भी डिपार्टमेंट संभाला है, और ये तीनों डिपार्टमेंट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसा लगता है मानो गांव, दुकान, घर, नदी और खेत मानो आपके सामने खड़े हो। सुमित्रा जी के इस मीडियम की समझ और उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशंस की रेंज ना ही एक एवरेज फिल्म मेकर को समझ पाएगी और ना ही एक एवरेज फिल्म गोयर को। उनका काम एक अनुभव है, वो आपको एनलाइटन करता है और मीनिंगफुल सिनेमा में आपके विश्वास को प्रबल करता है।
इन 9 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म फिल्म नहीं है बल्कि एक अनुभव है, जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा और उसके क्षितिज को समझने का प्रयास है। पलायनवादी फिल्मों की भीड़ में ये फिल्म अपने सन्मुख होने के साहस के साथ खड़ी होती है। ये फिल्म साधारण साक्षात्कार नहीं है बल्कि वेदनाओं और क्षतियों के परे जाकर उनके मंसूबे ढूंढने का प्रयास करती है। एक अभंग में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये अनुभवों की अमृत धारा है जो विश्व में निर्माण हुई है और हमने इस उत्सव को मनाना चाहिए। और मेरा भी ये मानना है कि दिठी नाम के इस दृष्टिकोण को, इस अनुभव को और इस दृष्टि को हमने भी महसूस करना चाहिए। गो फॉर इट।